बिग बॉस 16 में कौन कौन कॉन्टेस्टेंट करते हैं स्मोकिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड खबरी। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिग बॉस 16 में बहुत बार ऐसे कॉन्टेस्टेंट आते हैं जो बिना स्मोकिंग के बगैर नहीं रह सकते। चलिए इस बार यानी कि बिग बॉस 16 के घर में कौन कौन है हैवी स्मोकर, कौन नहीं करता स्मोकिंग, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर वन है टीना दत्ता, जो कि हैवी स्मोकर है, और आपको बता दें कि ये बाहर भी रेगुलर स्मोकिंग कर चुकी है। कई बार इन्होंने अपनी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट। निमृत कौर, जो कि स्मोकिंग किया करती थी लेकिन अब इन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। वहीं शालिन भनोट की बात करें तो ये भी हैवी स्मोकर हैं और बिग बॉस 16 के घर में कई बार स्मोकिंग भी करते हैं। आपको बता दें, तुम्बुल तौकीर खान, जो कि सिर्फ अभी 18 साल की है, अभी इन्होंने स्मोकिंग शुरू की। सौंदर्या शर्मा, जो कि एक्ट्रेस भी है और डेंटिस्ट भी है, वीगन है, ये स्मोकिंग नहीं करती। हो सकता है डॉक्टर होने के नाते ये अपनी केयर भी करती हो, इस वजह से स्मोकिंग नहीं करती। साजिद खान, जो कि हैवी स्मोकर है, लेकिन साजिद ने डिसाइड किया है कि बिग बॉस के साथ वो अपनी स्मोकिंग की जर्नी को खत्म कर देंगे और बाहर आके भी स्मोकिंग नहीं करेंगे। वहीं मान्या सिंह, जो कि एक्ट्रेस है, वो भी स्मोकिंग नहीं करती। एमसी स्टैन की बात करें तो ये हैवी स्मोकर हैं और कई वीडियोस और फोटोज में भी स्मोकिंग करते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों, गौतम विक की बात करें तो ये ओकेजनली स्मोकिंग किया करते हैं। अंकित गुप्ता, ये भी रेगुलर स्मोकर है। अब्दुल रज़ाक की बात करें, जो कि क्यूट कॉन्टेस्टेंट बताए जा रहे हैं बिग बॉस के और काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है बिग बॉस में, इनकी हेल्थ इश्यू की वजह से अब्दू को स्मोकिंग स्ट्रिक्टली मना है। वहीं प्रियंका चहल चौधरी की बात करें तो ये भी ओकेजनली ही स्मोकिंग करती है। इसके अलावा शिव ठाकरे भी ओकेजनली स्मोकिंग करते हैं। गोरी नागोरी की बात करें तो ये बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करती है। वहीं अर्चना गौतम की बात करें तो ये भी ओकेजनली स्मोकिंग करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो और कौन कॉन्टेस्टेंट आ रहा है आपको सबसे ज्यादा पसंद, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड।